दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दोहरापन एक बार फिर सामने आया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने रविवार 11 जून को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में कहा कि प्रधानमंत्री से देश नहीं संभल रहा, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ केजरीवाल रैली में पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे थे, दूसरी तरफ पंजाब में उन्हीं की पार्टी की सरकार आम लोगों को झटका दे रही थी। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों पर वेट बढ़ा दिया है। पंजाब सरकार ने रविवार को पेट्रोल की कीमत पर 92 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत पर 88 पैसे प्रति लीटर वेट वृद्धि की घोषणा की। इस राज्य में एक लीटर पेट्रोल की कीमत अब 98.65 रुपए और डीजल की कीमत 88.95 रुपए प्रति लीटर हो गई है। यह इस साल में दूसरा मौका है जब पंजाब में ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं। इसके पहले फरवरी में आप सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर 90 पैसे प्रति लीटर का सेस लगाया था। ऐसे में केजरीवाल के केंद्र को कोसने वाले वीडियो को शेयर कर लोग लताड़ लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर केजरीवाल की थू-थू हो रही है। बेशर्मी भी केजरीवाल जी को देख कर लज्जा खा जाए। आज ही पंजाब में आप पार्टी की सरकार ने डीजल 105 रुपए से भी महंगा कर दिया है। किस मुंह से अरविंद केजरीवाल जी महंगाई पर भाषण दे रहे हैं? अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से देश नहीं संभल रहा, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। प्रधानमंत्री को चौथी पास राजा कह रहे अरविंद को शायद पता नहीं है कि पंजाब में आज ही पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। अरविंद की आवाज फटी हुई है। देश की केंद्र सरकार जनता का बोझ कम करने के लिए लगातार डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ महंगाई का ढिंढोरा पीटने वाले केजरीवाल ने फिर से पंजाब में वेट बढ़ा दिया। लगता है शीश महल में अभी और पैसा लगाना है। पार्टी के बड़े नेता की शादी है, उसमें भी खर्चा होगा, तो जनता की गाड़ी कमाई को लूट कर ही तो सब होगा। दिल्ली और पंजाब की जनता ने किन पाखंडी धुर्तों के हाथों में सत्ता दे दी है? गाली गलौच, भ्रष्टाचार और उपद्रव तो ये करते ही हैं। बिना पलक झपकाए झूठ भी बोलते हैं। और अरविंद केजरीवाल तो इतने बेशरम हैं कि जिस दिन दिल्ली में पाकिस्तान बुढ़िया जैसी आवाज में प्रलाप कर रहे थे, उसी समय उन्हीं के पंजाब के अनपढ़ मुख्यमंत्री ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। महंगाई पर सच में चिंता है तो विपक्ष के राज्यों में पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में लाने पर सहमति बनवाओ। भाजपा तो कब से कह रही है इसके लिए, लेकिन तब मुफ्त की रेवड़ी बांटने के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे और जनता के नाम पर मोदी जी को गाली देने की दुकान में एक सामान कम हो जाएगा। है हिम्मत? केजरीवाल जी आप धूर्त हैं तो पूरा देश जानता है, लेकिन आप इतने बड़े धूर्त हैं यह नहीं मालूम था। मुझे खुद की पंजाब सरकार ने आज पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाई है और ये रामलीला मैदान में पेट्रोल डीजल का रोना रो रहे हो। इतना बड़ा धूर्त कोई कैसे हो सकता है? # भ्रष्टाचार का राजमहल। केजरीवाल की आवाज पहली बार फटती सुनाई दी। डर से सबको मालूम है कि पेट्रोल के दाम राज्य सरकारों के हाथ में होते हैं। आज ही पंजाब सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ाए। पंजाब में किसको मूर्ख बना रहे हो या समझ रहे हो? ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।